आजकल जो डॉक्टर पास आउट होता है वो ये ड्रीम करता है, कोशिश करता है कि बस एस्थेटिक फिजिशियन बन जाओ, उसके बाद बड़ा शॉर्टकट है और उसके बाद पेशेंट्स तो आ जाएंगे, क्लाइंट्स आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे। ड्रीमी जॉब तो है ये इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जाती है या दिखती है बज़ाहिर। ऐसा नहीं होता है कि आप 2 दिन कोई चीज़ सीखेंगे और तीसरे दिन आप बहुत अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपके हाथ में चाकू दे दूं और आपसे कहूं आप दिल तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन आप सर्जन तो नहीं बन सकते, अनटिल अनलेस आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास ना हो। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ ये कि जो हमारे एक सिस्टम है कि शादी एंड बच्चे और वो पढ़ाई के दौरान चीज़ें हो रही थी, तो मेरा सर्जिकल हैंड फॉर्चुनेटली अच्छा था और मैं चाहती थी कि आगे मैं इसको परसू करूं, लेकिन वो टाइम की लग्जरी नहीं थी मेरे पास इतनी कि मैं उसको आगे उस तरह से लेकर चलती और अपने बहुत सारे साल इस फील्ड को देती और उसके बाद ये सारी एक्सपर्टीज़ मेरे पास आती। तो यस, ये अफसोस है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मैंने मॉर्निंग शो भी शुरू किया तो ऑफ एंड ऑन मैं ये प्रैक्टिस करती रहती थी, खुद बहुत इंटरेस्ट भी था। लेकिन ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, इसमें साल हाँ लगे हैं, बहुत साल लगे। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, खुश होके घर जाता है क्लाइंट, अच्छा मेरी ये मेरा डेप्थ आ रही थी चली गई, अच्छा मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्ट हो गया, मेरी स्माइल बेहतर हो गई, मेरे लिप्स अच्छे हो गए। सो वो जो एजिंग का एक प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते, डिले कर सकते हैं, तो वो जब क्लाइंट को लगता है ना कि उसमें बेहतरी आई है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो उसकी आंखों में स्पार्क दोबारा आता है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लुकिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो पेशेंट जो है ना वो कभी कभी उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है, डॉक्टर के बहुत समझाने के बावजूद भी कहते हैं नहीं और वो ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है। एस्थेटिक मेडिसिन एक नई ब्रांच है मेडिसिन की, जिसमें कि डर्मेटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी, इन दोनों के टेक्स्ट में, इन दोनों के करिकुलम में ये पढ़ाया नहीं जाता कि एस्थेटिक मेडिसिन क्या है। हर चीज़ की, आपके फेशियल, आपकी बॉडी एस्थेटिक्स है, और अगर आपके फेशियल कॉन्टोर्स या आपकी फेशियल एजिंग या आपकी फेशियल स्किन कुछ ख़ास ट्रीटमेंट्स की मदद से बेहतर हो सकती है तो क्लाइंट्स को ज़रूर करानी चाहिए। तो अगर एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि आपको रिजुविनेशन या रीजेनरेशन कर देती है आपकी सेल्स की, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात, से मज़ेदार बात क्या हो सकती। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि टाइमिंग्स आपके अपने मुताबिक हो सकते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे देना चाहें, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है, कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं है, कोई रात को आपको पैनिक में मुब्तला नहीं करेगा, आपको डर नहीं लगेगा कि अभी कॉल आ जाएगी, अभी मुझे जाना पड़ेगा। दूसरी ये कि अब तो दुनिया मल्टीटास्किंग की तरफ जा रही है, तो एक वक्त में चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बहुत सारे काम करना चाहता है इंसान। और जब एक डॉक्टर ग्रेजुएट करता है उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा मैं क्या करूँ। एस्थेटिक मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप इसके साथ साथ अपने घर को, बाकी सारी चीज़ें जो जो आपकी लाइफ की दूसरी कमिटमेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरह से मैनेज कर लेता है। एंड वन मोर थिंग, वी मीट अमेजिंग पीपल ड्यूरिंग आवर क्लिनिक्स, तो बिकॉज मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं दे आर हैप्पी पीपल। जब भी हम एस्थेटिक मेडिसिन का नाम लेते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में वो 4 खौफनाक तस्वीरें आ जाती हैं जो इंटरनेट पे फैलाई हुई हैं, बिग लिप्स, ये बिग चीक्स। ऐसा नहीं होता है, ये आपके इंजेक्टर पे डिपेंड करता है या आपके अपनी ज़ाहिर पेशेंट वो वाला क्लाइंट नहीं है। यहाँ कोई डिजीज़ या एलिमेंट्स को हम नहीं ट्रीट कर रहे होते जो एक आम ट्रेडिशनल क्लिनिक होती है, सेकेंडरी या टर्शरी केयर सेंटर्स होते हैं, उनसे ये डिफरेंट सेटअप होता है, एक फैंसी सेटअप होता है। हमारे यहाँ हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, वो अपना अच्छे लगने के लिए आते हैं। तो वो जो हमने बनाया हुआ ना कि यूँ हो जाएगा और इंटरनेट पे वो 4 तस्वीरों से खौफजदा आपको किया हुआ है, तो ऐसा है नहीं। और लोग बार बार एक सवाल मुझसे पूछते हैं, हमने सुना है कि ये एक दफ़ा करवाते हैं जो बोटॉक्स और फिलर्स और थ्रेड्स, वो उनको हमेशा करवाना होता है। तो मैं इनको एक जवाब देती हूँ कि भाई आप किसी सैलून पे जाते हैं, आप किसी से बाल कटवाने जाते हैं या किसी और सर्विस के लिए, आप अपने घर में इंटरनेट लगाते हैं, आपको अगर वो सर्विस अच्छी देता है तो आपका दोबारा दिल जाता है कि 3 महीने या 6 महीने बाद जब आपका वो बंडल ख़त्म हो गया है तो आप दोबारा उन्हीं लोगों से दोबारा लें, होता है या नहीं। तो
एक तब्दीली अगर आपको अपने फेस पर अच्छी लगती है, यू वॉन्ट टू कीप दैट चेंज. तो ये कोई मजबूरी या कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में कि आपको बार बार कराना है. यू लाइक इट, दैट्स व्हाई यू वांट टू कीप इट. अच्छा, एस्थेटिक मेडिसिन चूंकि हमारी मेडिसिन की कोई उसका एक सेट करिकुलम नहीं है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन की ट्रेनिंग करें और दूसरे दिन आप क्लिनिक खोल लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आप किसको मेंटोर बनाएंगे, आप और वो मेंटोर जो है आपका वो कहाँ तक आपको गाइड करता रहेगा, आप रिफ्रेश अपनी ट्रेनिंग्स को बार बार करेंगे कैसे. और ये भी सिलसिला ऐसा नहीं है, जारी है सिलसिला और बहुत जल्द इसका एक फिक्स्ड करिकुलम, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम आपको मेडिकल की स्पेशलिटीज़ हैं उसमें मिल जाएगा, उस पर काम हो रहा है. लेकिन जब तक वो उस तरह से सामने नहीं आता तब तक आप उन लोगों के साथ कोर्सेज कीजिए, उन लोगों के साथ सर्टिफिकेशंस कीजिए जो ख़ुद बेहतर काम जानते हैं, जिनका पीछे से कोई एक नाम चला आ रहा है, और वो लोग जो आपको इस बात की श्योरिटी दे सकें कि आपकी वो हेल्प करते रहेंगे जहाँ जहाँ अच्छे कोर्सेज हुए, जैसे जैसे हुए, और बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ होंगे. डीलिंग डायरेक्टली विद फेशियल एनाटॉमी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर में क्या है, कहाँ तक जाना है, कैनेला के साथ कहाँ जाना है, नीडल के साथ कहाँ जाना है, कौन से मसल को किस वक्त कहाँ पे बोटॉक्स देना है, पेशेंट को क्या एहतियातें बतानी हैं, आगे पीछे डोज हो गई तो और फिर मुश्किल है टिल अ सर्टन टाइम, और अगर वो भी हो गया है तो उसके बाद आप उसको सही कैसे कर सकते हैं. तो ये सिर्फ कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, इसमें करेक्टिव फिलर्स एंड करेक्टिव बोटॉक्स भी आ जाते हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सिमेट्राइज करते हैं. लेकिन अगेन वही है कि सिर्फ एक कोर्स करने से आप क्लिनिक नहीं खोल सकते, आपको अपनी नॉलेज को बार बार बढ़ाना भी पड़ेगा और जो भी अपडेटेड चीज़ें आ रही हैं उनके साथ चलना भी पड़ेगा. फेशियल एनाटॉमी चेंज नहीं होगी, फेशियल एनाटॉमी चेंज नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर फेस की एनाटॉमी डिफरेंट भी होती है. फ़र्ज़ करें अगर बुक में लिखा है कि एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन ये है, तो ये ज़रूरी नहीं. मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनके जो बुक में लिखा हुआ है वो वैसा नहीं है. तो ये इंटायरली आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ आता है समझ में, और ये एक्सपीरियंस जब आप अपने स्टूडेंट से शेयर करते हैं तो उस स्टूडेंट का होराइजन, उस स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ती है. मैं ये नहीं कह रही कि बुक में गलत लिखा है, मैं ये कह रही हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आपकी जो नीडल है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रांग होती है. और मार्केट में हमें वैसे ही हर रोज़ मैं देखती हूँ इतने सारे कोर्स ऑफ़र हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए वो कोर्स चूज़ करें जो बहुत ही प्रिसाइज हो, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड हो, एंड प्लस ये कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि मैंने ख़ुद भी कुछ मेंटोर्स ऐसे भी होते हैं, मेंटोर्स नहीं होते एक्चुअली, वो डराने वाले लोग होते हैं, सही कह रही हूँ मैं, कि वो आप उनकी वर्कशॉप अटेंड करते हैं या उनका सर्टिफिकेशन करते हैं, 4-5 दिन तक तो आप गुम रहते हैं, आप वापस आके नीडल उठा भी नहीं सकते, इतना डर लग जाता है आपको कि आपको वो इतना डरा देते हैं. और ये सारे वो लोग हैं, आप यकीन करें, ये सारे वो लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि आप आ गए हैं. सो उन लोगों के साथ काम करें जो चाहते हैं कि जो आपका हाथ बढ़ा कर, हाथ पकड़ के आपको लाना चाहते हैं करीब और आगे ले जाना चाहते हैं. जो बिगिनर्स हैं टू स्टार्ट विथ, आप नॉन इन्वेजिव को देखें, उससे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां वो इंडिकेटेड हैं. नॉन इन्वेजिव भी एक अलग इसकी पूरी दुनिया है, ये सिर्फ माइक्रो नीडलिंग पे स्टार्ट होकर माइक्रो नीडलिंग पे ख़त्म नहीं हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लेज़र्स हैं. मैं लेज़र्स को हमेशा कहती हूँ कि वो आपका बेबी होता है. आप एक लेज़र आ गया, आप उससे उसकी मोडालिटीज़ आप देखें 1000 होती हैं. ये डिपेंड करता है कि आप यूज़ उसको कैसे कर रहे हैं, कौन से स्पॉट साइज पे, कौन से फ्रैक्शन, कौन सी एनर्जी के साथ आप किस कंडीशन पे यूज़ कर रहे हैं, और आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है. इसी तरह नॉन इन्वेसिव में बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिन्हें हम इतना आराम मतलब देते हैं कि ठीक है ये तो थेरेपिस्ट का काम है. नो, जितना अच्छा काम एक डॉक्टर कर सकेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि एपिडर्मल लेयर कितनी है, कौन सी नीडल से कितनी डेप्थ जाई जा सकती है, किस जगह डेप्थ में जाना है, नहीं जाना, किस जगह सुपरफिशियली ट्रीट करना है, ये सिर्फ एक डॉक्टर को पता होता है. बोटॉक्स है क्या, बोटॉक्स से
की इंडिकेशंस क्या हैं, बोटॉक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, बोटॉक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का बोटॉक्स कहाँ डालना है, कहाँ कितनी डाइल्यूशन होनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस एम्प्यूल को पकड़ना कैसे है, सेलाइन डालना कैसे है, उसके बाद निकालना कैसे है, ये भी कोर्स में शामिल होना चाहिए। वरना तो चार वाइट कलर के नुक्ते मैं भी लगा दूं और उसके बाद बोलूं यहाँ 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 डाल लो बस ख़त्म कोर्स। इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में बोटॉक्स के बाद अब फिलर्स आ जाते हैं, वो भी उसी का हिस्सा है। फिलर्स किस तरह से डालने हैं, उसमें होता क्या है, उसकी इंडिकेशन क्या बनती है, कहाँ डालने हैं कहाँ नहीं डालने, ये भी बहुत ज़रूरी है बताना। और मसल्स के बीच में कुशनिंग कैसे करनी है उसकी, अब फिलर किस तरह से, कौन सी लेयर में डालेंगे, तो कैनेला से डालेंगे, कहाँ जाएंगे तो नीडल से जाएंगे, और किस एंगल से जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और बाय द वे ये कोई ये बहुत ही एक सीरियस चीज़ है, एक ऐसा टूल है जो कि जितना खूबसूरत लगता है कि जी सुपरफिशियल रिंकलिंग भी दूर हो जाएगी, डीप रिंकलिंग भी दूर हो जाएगी, उतना ही ये ख़तरनाक भी हो सकता है। सो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना एंड देन उसके बाद हैंड्स ऑन करना बहुत ज़रूरी है। थ्रेड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, थ्रेड्स की इंडिकेशन बहुत हैं, बॉडी थ्रेड्स भी हैं, आप सेल्यूलाइट पे भी इसको यूज़ करते हैं, इस तरह से फेशियल थ्रेड्स भी हैं, नेक पे थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं। थ्रेड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन से थ्रेड किस वक्त की ज़रूरत होते हैं, किस जगह की ज़रूरत होते हैं, ये आपको लर्न करने से, कोर्सेज करने से और एक्सपीरियंस करने से ही आता है। एस्थेटिक मेडिसिन एक बहुत अट्रैक्टिव फील्ड तो है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन इसका एक फिक्स एंड स्ट्रक्चर्ड स्पेशलिटी के तौर पर इसको मेन स्ट्रीम मेडिसिन में नहीं अभी लिया गया। मैंने जैसे कहा काम हो रहा है, बहुत जल्द इसको एक स्पेशलिटी के तौर पर ले लिया जाएगा। टिल दैट टाइम आप उन लोगों के साथ काम करें, उन लोगों के साथ कोर्सेज करें जिनका नाम है, जिनकी रेपुटेशन है, जो आपको आपका कोर्स करने के बाद भी आपकी मदद हर उस टाइम पे जब आपको पेशेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको गाइड करने के लिए तैयार। सो अगर न्यू एंड यंग एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन्स को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पाकिस्तान में रहकर कोई ऐसी सर्टिफिकेशन, कोई ऐसा डिप्लोमा करें जिसकी डिग्री उन्हें बाहर से मिले, तो सच्ची बात क्या हो सकती है अपने मुल्क में रहते हुए अपने लोगों के साथ, क्योंकि अब जब बाहर जाएंगे तो ज़ाहिर है वो सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, उनकी चूँकि रेस एथनिसिटी उनके प्रॉब्लम्स उसी तरह से डिफरेंट होते हैं, तो हमारे हाँ रहते हुए वो प्रैक्टिस करें और डिग्री या सर्टिफिकेशन जो है वो बाहर की लेने से बड़ी क्या बात हो सकती है।